नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल स्ट्रिप्स जो 90 डिग्री हुक है, यानी बाहर वाला हुक का जो स्ट्रिप्स है, और रेक्टेंगल स्ट्रिप्स है यानी आयत आकार का रिंग, उसके हम 90 डिग्री हुक है उसके लिए जो आयस फॉर्मूला है वो यहां पर है। 2 L + B (1) क्लोज +20D -10D, यानी 2 क्या है, 2 यानी दोनों बाजू, ठीक है, उसके अंदर में दो बाजू है, इसके लिए इसको डबल करना है। वो यहां पर पूरा समझा देता हूं। L क्या है, B क्या है, L यानी लंबा वाला, B यानी विड्थ वाला, छोटा वाला, ठीक है। अभी यहां पर 2 L + B (+20D -10D ये फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम रेक्टेंगल स्ट्रिप्स का 90 डिग्री हुक के हिसाब से हम यहां पर फॉर्मूला के हिसाब से हम यहां कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो कटिंग लेंथ के लिए हम यहां पर बात करेंगे, पहले सबसे पहले यहां पर L प्लस B क्या है। L प्लस B यानी L यानी लंबा, तो L इसको लिखते हैं, B इसको लिखते हैं, हो गया B यानी छोटा, बस इतना ही है। अभी यहां पर हमारा ये फॉर्मूला के हिसाब से वीडियो शुरू करता है। जैसे 2, जैसे हम 2 लिख लिया, ब्रैकेट में L प्लस B की वैल्यू लिखनी है। L प्लस B की वैल्यू क्या है, L की 500 है और B की 300 है, तो हम L और B की हम यहां पर वैल्यू लिखते हैं, 500 प्लस 300, ब्रैकेट बंद कर क्लोज करते हैं। उसके बाद यहां प्लस की जगह प्लस, यहां क्या है 20, सेम जाएंगे 20D -10D। इसकी स्टोरी फिर से बताता हूं कि 20D क्या लिया है और 10D क्या लिया है, क्यों लिया है। देखिए 20D जो लिखा है, ये लिया है हम हुक की लेंथ लिखी है, हुक की जो लेंथ है वो लिखी है, और 10D क्या है, माइनस कर रहा है, यानी बेंड डिडक्शन, ये बेंड डिडक्शन हो रहा है। तो आपको कल अभी स्क्वायर रिंग का 2 बार वीडियो बता के देखे है, उसमें सेम यही पर है, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम फॉर्मूला है, बट ये सिर्फ चेंज है, बाकी सब सेम है। हुक का लेंथ यानी हमारा बाहर वाला हुक है, इसके लिए हमारा 10D है, ठीक है। 10D यानी जो हुक है, 20D जो है, यहां पर हम क्या करेंगे, 20D को डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 2 हुक निकलेगा तो 10D आएगा। तो हम 10D क्या है, D यानी डाया, आपको पता था, D यानी डाया, जो हमारा डाया होता है स्टिरअप का, जो TMT बार का या जो भी यूज करते हैं उसका डाया, ठीक है। तो हम D यानी डाया, तो 10 गुना डाया कितना है, 8 mm का लेते हैं, तो कितना होता है, 8 mm का डाया लिया, तो 8 × 80 mm, यानी हुक है हमारा ये 80 mm हुक रहेगा, हुक लेंथ 80 mm, ठीक है, ये क्लियर हो गया, 80-80 हुक रहेगा। तो यहां पर हम 80-80 का हुक के हिसाब से अब बात करने वाले हैं। जैसे अभी शुरू करते हैं, नीचे आते हैं, अभी ये वाला का हम कैलसी करेंगे, तो ब्रैकेट में है, इसमें से ऐसे ही लेंगे ये 2, इसके बाद में ब्रैकेट। अभी इन दोनों का पहले सबसे पहले है ना, इतना सा क्लियर करेंगे, 500 प्लस 300 कितना होता है, 800, ब्रैकेट क्लोज, या प्लस हम 20D लिया है, 20D यानी हम 20, और ब्रैकेट में हम D का वैल्यू क्या है, 8 mm की स्ट्रिप से, इसके लिए 8 mm, यहां पर आपके लिए mm लिख देता हूं, रिंग कार्ड आया है 8 mm, इसके लिए वो लिया है, माइनस बेंड डिडक्शन है, तो बेंड डिडक्शन कितना है 10, और D यानी डाया लिखते हैं, और ब्रैकेट बंद। यहां तक आप समझ गए सिंपल तरीके से। अभी आते नीचे, जैसे हम अभी क्या करेंगे, ये वाले का कैलसी करेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट में लेते हैं, इसका तो फिर गुणाकार करेंगे, 800 गुना 2 यानी कितना होता है, 1600, ठीक है।
फिर यहाँ प्लस की जगह प्लस आएगा, फिर यहाँ क्या होगा इसकी वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि गुणाकार करते हैं कि 20 × 8 यानी कितना होता है 160 mm, फिर यहाँ माइनस की जगह माइनस, और फिर यहाँ ये दोनों का कैलसी करेंगे 10 × 8 यानी कितना होगा 80, ये हमारा 80 mm बेंड डिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक की तीसरी लाइन क्लियर हो गई। अभी चौथी लाइन में चलते हैं। जैसे कि अभी ये 1600 प्लस 160 इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 1760। ठीक है, फिर यहां पर ये दोनों का बच गया, रह गया ये माइनस 80 यानी यहां पर 80 माइनस करेंगे तो अभी हम यहां पर जो है नीचे आएंगे हम कटिंग लाइन लेने के लिए, ये दोनों का कैलसी करेंगे 1760 माइनस 80 यानी हमारा बचेगा 1680। 1680 ये हमारा कटिंग लेंथ होगा। ठीक है दोस्तों, कटिंग लेंथ हमारा कितना है 1680 mm। तो वीडियो देखिएगा पूरा, आपको प्रॉपरली समझा गया है। आपको ये जितने भी डाया की स्टेरस होने दो, 8 mm से लेकर आप कितना भी डाया का स्टेरस बनाते हो तो जो बाहर वाला हुक है उसके लिए ये हमने बनाया है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप कहीं पर भी स्टेरस निकाल सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और नए चैनल पे है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर लेके आऊंगा यही रेक्टेंगल स्टेरप्स का 135 डिग्री हुक यानी अंदर वाला हुक का स्टेरप्स का फॉर्मूला हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।